सो गाइस, तो मैं आया था अपने तालाब की ओर, तो देखा रास्ते में एक छोटी सी बिल्ली मुझे दिखाई पड़ी जो यहाँ पर छुप के बैठी हुई थी। जो इसकी हालत देख के मुझे लग रहा है इससे बहुत ही ज़ोरों से भूख लगी, लगता है ये माँ से बिछड़ चुकी है। जो इसकी हालत ऐसे हो चुकी है, अब देख सकते हो बहुत ही कमज़ोर हो चुका है, अब देख ही सकते हो अभी छोटा है, बच्चा है। फाइनली गाइस, तो इसके लिए मुझे कुछ बिस्किट वगैरह कुछ लाना पड़ेगा, जो कि दुकान तो अभी बहुत ही दूर है, यहाँ से मैं दुकान जाऊँगा और इसको यहीं पर छोड़ के जाऊँगा। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, जो कि मैं दुकान वाले भैया को बोलूँगा कि मुझे उधार चाहिए, देखते भैया देते हैं तो अच्छी बात, इसे मैं बिस्किट भी खिला दूँगा। देखिए इसके पैरों में भी चोट आया है, जो कि अच्छे से चल भी नहीं पा रहा है। तो चलिए दुकान चलता हूँ, बहुत ही ज़्यादा लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ही भूखा लगता है मुझे। सो गाइस, तो मैं चल दिया दुकान की ओर, तो उसे मैं वहीं पर छोड़ दिया। जो चलता हूँ दुकान की ओर मैं चल दिया, जो कि मैं भैया से उधार बिस्किट लेने वाला हूँ, जो कि मैं पैसा लेके आया तो नहीं था इधर, देखते भैया उधार देते हैं तो अच्छी बात है। सो गाइस, तो मैं एक बात कहना भूल गया कि आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं इसी तरह का गाँव का ब्लॉग लाता रहता हूँ, और एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, बस कर दीजिएगा। तो फाइनली दुकान बस पहुंचने ही वाला हूं, देख सकते हैं सामने बस यही दुकान है, बस पहुंचने ही वाला हूं। सो गाइस, तो दुकान बंद था, मैं वापस लौट के आ रहा हूं, सो अब मुझे घर ही जाकर उसे कुछ खिलाना पड़ेगा। होप कि आज का ब्लॉग बस यहीं से एंड करता हूँ, और मुझे घर वाले पता नहीं कि मैं ब्लॉग मिस बनाता हूँ, इसलिए मैं घर से जाकर ब्लॉग शूट नहीं कर सकता।